जहां एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए 21 लॉकडाउन को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से हुई कैबिनेट बैठक में लोगों के लिए 3 महीने का राशन एक साथ दिए जाने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं राजधानी देहरादून के FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में। यहाँ पर इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर ट्रकों में राशन भरा जा रहा है और मजदूर लोग यहाँ पर बड़े बड़े बोरे यहाँ पर ट्रकों के अंदर डाल रहे हैं, जो आगे जाकर सरकारी राशन की दुकानों में जाएगा और वहाँ से फिर लोगों के लिए लोगों को वहाँ से राशन की दुकानों में जाकर बिना किसी तकलीफ के 3 महीने का राशन एक साथ खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि गोदाम के अंदर की स्थिति दिखाई जाए, तो यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जनता के लिए पूरे राशन का इंतज़ाम किया गया है खाद्य विभाग की तरफ से, और यहाँ पर बड़े बड़े बोरे यहाँ पर रखे गए हैं सामान के। यहाँ पर इस वक्त जहाँ मेरे सामने ठीक सामने ये जो बोरे रखे गए हैं, ये इन बोरों में चावल है तो किसी में गेहूं है, और ठीक उधर दूर की तरफ अगर बाईं तरफ देखें तो वहाँ आगे जाकर जो बोरे वहाँ पर रखे गए हैं उनमें दाल है। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर खाद्य विभाग की तरफ से एकदम कड़ा इंतज़ाम किया गया है, और यहाँ पर पूरी तरह से स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है, लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर लगाए गए हैं सप्लाई के लिए सामान रखने के लिए, उनके लिए रहने खाने का इंतज़ाम यहीं पर किया गया है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक के लिए लॉकडाउन है। और जो एक तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर FCI की तरफ से बेहद अच्छा इंतज़ाम किया गया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा किसी को भी ना हो। वहीं दूसरी तरफ अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का प्रचार कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से हर कोई दूर रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहां पर आए हुए राशन के डीलरों में जो लाइन में यहां पर खड़े हो रखे हैं, तो आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि जो लाइन में डीलर्स खड़े हो रखे हैं उनमें अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई फर्क नहीं नज़र आ रहा है, और कह सकते हैं कि जो अभी भी लोग इसमें लापरवाह हो रहे हैं, जब आखिर सोशल डिस्टेंसिंग जो बेहद ज़रूरी है, जो बेहद सही बेहद ज़रूरी है लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन अभी भी लोग लाइनों में खड़े रहकर उचित दूरी नहीं बना रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का संक्रमण लगातार बन सकता है। अब देखना यही है कि जो ये प्रचार मोदी जी की तरफ से किया जा रहा है इसको लेकर जनता कितनी गंभीरता से लेती है, और जो स्पेशल सर्विस राशन की प्रोवाइड की जा रही है जनता को उसमें पहले अब उसको लेकर जनता को इस पर किस तरह का असर पड़ता है, और कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जो जनता अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को लागू नहीं कर रही है, उसे अपना नहीं रही है, तो उसे लेकर आगे जाकर आखिर इसमें किस तरह के कड़े प्रावधान लिए जाएंगे सरकार की तरफ से, ये देखना ज़रूरी होगा। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मानव डोभाल।